फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि आप अपने यूट्यूब में कैसे अपना वीडियो अपलोड्स कर सकते हैं एंड उसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शंस एंड टैग्स कैसे लगा सकते हैं। सो गाइस, इसीलिए बने रहिए हमारे वीडियो में, दिखाते हैं आपको। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले आपको सिंपल सा अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं यूट्यूब, जब आप ये ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ एकदम बीच में प्लस का आइकॉन दिखेगा आपको। आपको सिंपल सा उस प्लस वाले आइकॉन पे कर देना है क्लिक। आप देख सकते हैं आपके सारे वीडियोस आ जाएंगे। आपको जो भी वीडियो आपको अपलोड्स करना है गाइस, आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो सेलेक्ट करने के बाद गाइस, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और गाइस, आप लोगों को सबसे पहले तो आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ लिस्टेड रखना है। अनलिस्टेड का मतलब होता है कि इस वीडियो को सिर्फ आप ही शो कर सकते हैं, आप ही देख सकते हैं एंड पब्लिक्स नहीं देखेगी, तो इसीलिए इसको आपको अनलिस्टेड रख। सो गाइस, आप देख सकते हैं एकदम कोने पे अपलोड्स का ऑप्शन आ जाता है। आप सिंपल सा उस पर कर देंगे क्लिक। अपलोड पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपका वीडियो अपलोड होने लगेगा। गाइस, आप देख सकते हैं हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो अपलोड्स हो चुकी है। आप देख सकते हैं लिखा है रेडी टू वॉच, दिस वीडियो इज रेडी टू बी वॉचेड। सो गाइस, आप इस पर जब अपलोड कर लेंगे, अपलोड करने के बाद गाइस, आप लोगों को सिंपल सा अपने YT स्टूडियो में चले आना है। गाइस, आप देख सकते हैं YT स्टूडियो अगर गाइस, ये सिंपल सा आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद गाइस, आपको सिंपल सा YT स्टूडियो में चले आना है। YT स्टूडियो में आने के बाद गाइस, आप देख सकते हैं आपका वीडियो, ये देखिए वीडियो जो अभी आपने यूट्यूब से अपलोड किया गाइस, आप देख सकते हैं आ गया है। और सिंपल सा आपको इस वीडियो पे कर देना क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद गाइस, आप लोगों को सिंपल सा अपनी पेंसिल वाले पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ से अपना, आप ऊपर देख सकते हैं लिखा टाइटल एंड नीचे डिस्क्रिप्शन एंड नीचे लिखा है टैग्स। आप देख सकते हैं टाइटल में आपको 100 कीवर्ड्स मिलते हैं। सो आपको इसमें 100 के अंदर ही अंदर आपको लिखना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं जिस टॉपिक पे आपको बनाना है उसी से आपको, उसी से रिलेटेड आपको इसमें लिखना। तो गाइस, आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन वॉलपेपर कैसे लगाएं अपनी गैलरी से। सो गाइस, सिंपल सा आप लोगों को ऐसे आपको जिस टॉपिक पे आपको लिख देना है, एड डिस्क्रिप्शन पे कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, आप जिससे रिलेटेड आपका वीडियो हो, जिस टॉपिक से, उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिख देना है। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन तैयार है। तो ऐसे आप लोगों को भी लिख देना है। लिखने के बाद गाइस, आप आप देख सकते हैं एकदम लास्ट में लिखा ऐड टू टैग्स, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, आपको टैग्स लगाने हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं आपको ऐसे टैग्स लिख देना, कॉमा लगा लगा के। आप देख सकते हैं टैग लिखने के बाद गाइस, आप देख सकते हैं लिखा अनलिस्टेड। अनलिस्टेड को आपको पब्लिक पे कर देने के बाद गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पब्लिक में हो जाएगा एंड आप यहाँ से सेव कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कोने में लिखा है सेव। सो आप सिंपल सा इसको कर देंगे सेव।